हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आए तो इतना पानी नहीं पीती। गाइस आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं मैं क्यों नहीं इतना पानी पीती। मैं सिर्फ खाने के साथ पानी पीती हूँ, जबकि डॉक्टर ने मुझे कहा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। चलें जी, ये मेरे रोने पीटने तो छोड़ेंगे तो चलते ही रहेंगे। गाइस यहाँ पे आप मेरे आलू मुगरों की फाइनल लुक चेक करें जी। माशा गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं डिनर से। मैंने अपना दिल दे दिया आपको फ्राइज में। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ जी, ये देखें सर्दियों की सौगात जो है जी, आलू मुंगरे मेरे फेवरेट, मेरे बच्चों के फेवरेट, मेरे हस्बैंड के। अभी हम बजा आएगा ना, बन चुके हैं। और ये देखें जी अंधेरा कितना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि आपको पता है ये जी सर्दी है शाम, और यहाँ पे फ्री अपनी फ्राइज खा रही है, और साथ में इसने क्या देखना होता है जी, इकरा का व्लॉग, फातिमा का व्लॉग, पांचों बहनों के इसने व्लॉग देखने, तो एस्ट्रोलॉजी के इन्होंने पांचों बहनों के व्लॉग हैं। और जब वो उनके न्यू पांचों खत्म हो जाते हैं तो फिर ये उनके ओल्ड व्लॉग देखती है। मुझे फ्राइज बना दो, तो मैंने इसको फ्राइज बना के दिए। हस्बैंड गए हैं जी भाभी के घर से बर्फ़ लेने के लिए, क्योंकि हम इन कूलरों में रखते हैं जी बर्फ, 24 घंटे बाद जाते हैं बर्फ़ लेने के, बीच में आके बोलना ही होता है हा हा हा। और रात को भी हमारा आराम से पानी ठंडे से गुजरता था, मिक्स करके यानी के दोनों को मिला के हम पीते, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है तो इतना ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिया। हमारा ख़राब हो चुका था आपको पता है, उसके ऊपर 16,000 लगता है, तो 16,000 हम लगा नहीं सकते, इसलिए हमने सोचा फ्रिज बेच दें, तो सोचा ये एक न्यू ले लेंगे इंशाल्लाह जल्दी अल्लाह ने चाहा। तो इसको देखती हूँ आलू मुगरों को, फिर पकने पर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ, ठीक है। आटा मैंने गूंद के रख लिया, बस रोटी बनानी है। मैंने कहा थोड़ा सा डिनर का व्लॉग भी शेयर किया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, जहाँ रहे जी खुश रहे। अपना व्लॉग डिनर से स्टार्ट किया था, तो अभी मैंने फ़िलहाल आलू मुगरों में पानी डाल दिया और ख़ुद आके यहाँ बाहर चारपाई पे बैठ गई हूँ। हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही, बड़ी प्यारी प्यारी सी, और बड़ा सुकून आ रहा है, क्योंकि मौसम तो काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन ना अभी सर्दी नहीं सही तरह से आई, अभी भी गर्मी लगती है किचन में। तो जैसे किचन से निकली हूँ तो यहाँ पे बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, तो मैंने कहा चले व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ, तो चले सलाम दुआ कर लूँ आप सबसे। प्रिया बस अपनी जो है ना, उसने फ्राइज ख़त्म कर लिया है और वाईफाई चला गया, और फ्री मैडम चुप करके बैठ गई है, ब्लॉग को पीछे करती है, फिर देखना शुरू कर देती, फिर पीछे करती, फिर देखना शुरू कर देती। पता नहीं ये इन पांचों बहनों के ब्लॉग इसको इतने ज़्यादा पसंद है, और तो मैं कहती चलो जी एंजॉय करने दो, आखिर ब्लॉगर माँ की बेटी है, ब्लॉगिंग भी इसी ने आगे करनी है कंटिन्यू मेरे बाद, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कर रही, चैनल भी इसी के नाम पर है। तो चले जी ऐश करने दे, सीखने दे इसको, देखने दो, कोई बुरी चीज़ देखने से या खाम खा सारा दिन कार्टून देखने से अच्छा है स्ट्रेटजी जी, मुझे तो इनका नाम भी नहीं आता एस्ट्रोलॉजी के, पता नहीं क्या चाहता। मैं फातिमा का देख लेती होती हूँ, इकरा का देख लेती होती हूँ, वैसे तो एटीट्यूड बहुत होता है जी, जितने भी ब्लॉगर बने तो हमने स्टार्ट लिए हुए हैं, और हम अभी यहाँ हैं तो फिर आगे बड़ा नाम हो सकता है, अल्लाह करे हमारा भी, लेकिन हमें अल्लाह ऐसा गुरूर ना दे जैसा ये ब्लॉगर बड़े होके इनके अंदर गुरूर आ जाते हैं, बहुत से ब्लॉगरों के अंदर हम जैसे छोटे मोटे को मच्छर और मक्खी समझते हैं और यूँ फेंकते हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, शानदार विचार रखते हैं। तो मेरा बीपी भी लो हो रहा है, मुझे लगता है मुझे नींद आ रही, ये कुछ सोने का टाइम है, इस टाइम पे बंदे को सोना चाहिए नहीं सोना चाहिए, पर मेरा दिल कर रहा है मैं छुप करके सो जाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा सालन बन रहा है, मैंने रोटी बनानी है, हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, वो आए तो कूलर में बर्फ़ डालती है। वैसे भी मैं इतना पानी नहीं पीती, गाइस आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं मैं क्यों नहीं इतना पानी पीती। मैं सिर्फ खाने के साथ पानी पीती हूँ, जबकि डॉक्टर ने मुझे कहा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीएंगे तो चलते ही रहेंगे। मैं वो एक नशियों की तरह टुन की तरह ऐसे लगी पड़ी, मुझे भी नहीं पता, एडिट करूँगी तो पता चलेगा, मेरी आँखें भी सही खुली थी कि नहीं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गाइस यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके हैं जी बर्फ लेके, ये अपनी ड्यूटी दे चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, क्या हाल है, ठीक ठाक हो? तो भैया ठीक है, बच्चे ठीक ठाक ने, हर तरह की खरीदत है, बर्फ आ गई है, ठंडा पानी तुम पियाओ, पियावेगा सानू के यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब फैमिली को फ्रिज है जी, अल्लाह साहब नु देवे जी, उन्होंने सदके सानू देवे। ये सर लपेटा, मैं अभी किचन में थी ना तो सर नंगे में खाना नहीं बना सकते, इसलिए सर लपेटा। बहुत बढ़िया जी माशाल्लाह, ये लेके आए बर्फ, दोनों भाभियों से ले आते होते हैं तो फिर आराम से हमारे गुजर जाए। मुगरों को देखते हैं कि आलू मुगरे कहाँ था, और आलू मुगरे मेरी बेगम बहुत जबरदस्त बनाती है, और बुखार के बेचारी लगी रहती है, इन्हें आके दुआ करो यार, थोड़ी मेहरबानी है, तुम्हें बड़ा सुहाव होना है। कोला तुसी हंज लै रहे हो जिवें आपां मंगन चले हैं।
ना बर्फ डालते हुए एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, दोनों बाप बेटे की लड़ाई चालू हो जाती है। वो देखे ये कहती मुझे बर्फ दे, अब हम इसको बर्फ नहीं देते खाने के लिए, अब मौसम नहीं है बर्फ खाने वाला। तो ये लड़की कहती बस मुझे बर्फ दे दे, और ये पंखा चल रहा है अंदर फजूल में। तो क्या कहते बिल किसने देना होता है बेटा, इसको बंद किया करो जब बाहर आती हो तो। चलो बंद करो, मैंने पंखा बंद कर दिया, फजूल पंखा ना चलाया का। मेरे जैसा बंदा वेला नकारा नहीं कह सकते हो, मैं ता कद के चले थे कद बाहर। बस होने वाला है सालन तैयार माशाल्लाह, फिर फाइनल लुक दिया। प्रिया बर्फ नहीं खानी, फेंको मार खाने वाले काम करती। अब देख लो बर्फ खाने लगी, कोई बात नहीं है। अच्छा मैं तो चलो निशैया वांगा कोई इंज कर रही है कि मैंने ब्लड लो है, तानू की होया? मेरी बुड्ढी जी इंज करेगी, मैं इंज कराऊंगा। ये ड्यूटी है जी इनना दी, बर्फ ले आनी फिर कूलर है पा। कूलर में डालती ना मेरे हाथ एकदम इतने ठंडे हो जाते, मेरे दिल में घबराहट होना शुरू हो जाती, फिर इसने मैंने डालती। कहते ये आपकी ड्यूटी आप डालो। तो चले फिर मिलते हैं गाइस ब्रेक के बाद। यहाँ पे आप मेरे आलू मुंगरों की फाइनल लुक चेक करें जी माशाल्लाह। आलू मुंगरे और साथ में मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी है, 7 बज गए हैं, तो बस मैंने कहा 7 रोटी बनाओ जल्दी जल्दी। तो अगर आप जानना चाहते हैं ना कि मैं ये यमी सी आलू मुंगरों की रेसिपी कैसे बनाती हूँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। वैसे तो मेरे चैनल में पड़ी हुई है ये रेसिपी, मैंने पहले बनाई हुई है बहुत बार, लेकिन जो न्यू मेरे फ्रेंड आए हैं उनके लिए मैं दोबारा से बना दूँगी। तो बस जी कि मेरे आज यहाँ पर भी डिनर मुकम्मल हो जाएगा। इसे आलू मुंगरे हो चुके हैं रेडी, तो रोटी भी रेडी, चले मैं रोटियां बना लूँ फिर आपसे मिल। तो गाइस मैंने डिनर लगा दिया है चेंज, मैं तो बाहर सोती नहीं, सिर्फ ये सोते हैं, इनकी चार पे वो पड़ी जिस पे मैं बैठी थी, अपनी चार पे मैं अंदर ले। अब यहाँ पे हम करने लगे हैं डिनर। हाँ जी, मुंगरे पके हैं जी, मैं ऐसे खाता हूँ रोटी के ऊपर। बहुत से मेरे बहन भाई खाते हैं, नहीं पेंडू की बात नहीं, मैंने इतनी बड़ी ब्लॉगर हैं वो इतनी रईस हैं, और मैंने उनको भी देखा है रोटी पे सालन डाल के खाते, क्योंकि ये एक वैसे सुन्नत भी है और खाने में भी मज़ेदार लगता है। हमें उनका जो अपना मज़ा है ना वो अलग है, और जब वो लास्ट में बच जाती है ना दरमियान वाली रोटी जिसके पास सालन होता है, उसका अपना ही एक मज़ा है। इसने पहले कहा जी दसो कैसा बने हैं, मज़ेदार। चले गाइस आ जाए आप भी हमारे साथ खाएं जी, ये देखें आलू मुंगरे यम्मी से। प्रिया इसको बंद कर दो भाई, खाना खाओ पहले। पहले मुंगरी आती है, फिर बाद मुंगरे आती है। हाँ जी मुंगरे आते हैं, मुंगरे थोड़े मोटे होते हैं, मुंगरी थोड़ी लंबी लंबी पतली पतली, ये मुंगरी थी। तो चले जी खाते हैं यम्मी यम्मी से आलू मुंगरे, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस यहाँ पे खाना वाना हो गया, खाना हमने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर के खाना खा। मैंने अब बिस्तर लगाना शुरू कर दिए, हस्बैंड जी का बिस्तर लग गया और वो अपनी ड्यूटी पे शुरू, उनका कंबल आ गया। सोना है जो मर्जी कहें उनको, मैं कह रही हूँ आजकल स्मोक पड़ती है वो जो सही नहीं है, क्योंकि ये स्मोक वो स्मोक नहीं है, हाँ 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 भूल गई मैं, यानी कि धुंध नहीं है, जो सर्दियों की धुंध होती है वो नहीं है, वैसे स्मोक सी है, धुआं सा आया करता है, गर्दों को बाहर सकता। गाइस हमारे दो दो रूम उसके बावजूद मेरे हस्बैंड साहब को खुशी मिलती है बाहर सेन में सोने की, इनको मजा आता है ना जी। बिस्तर भी लग गया प्रिया का, और मैट्रेस में हम नहीं सोते हैं, हम दोनों सोती है चार पे के, क्यों मैंने आपको पिछले दफे बताया था चूहियों की वजह से। देखें जी बेटा सोता है इधर इस रूम में, उसकी चार पे भी बिस्तर लगा दिया मैंने, चादर रख दी है, और रख दी है चाय, बस अभी मेरी चाय हो जाएगी, चाय बनाऊंगी फिर हस्बैंड की। और गाइस एक थोड़ा सा नुकसान भी हो गया, फिर कि थोड़ा सा दूध भी गिर गया, तो ये चूल्हा बहुत गंदा होता है, इसको बड़ा मुश्किल से साफ करना पड़ता है। चले अब पानी वाली मोटर भी चलानी है, ये भी चला दे, तो मैंने कहा चले व्लॉग का करती हूँ एंड, यहाँ पे मोटर का स्विच लगा दिया, ये चला दिया हमने। अच्छा जी ड्यूटी वाली बात जो थी ना वो ये थी, ये अपना मोबाइल चला रहे हैं, ये बात कंफर्म नहीं हुई थी, मैं काम करने लगी बीच में, नहीं खा लिया, अब चाय वाय बन रही है, चाय पियेंगे बस। अब इन्होंने 10-11-12 बजे तक मोबाइल चलाना, फिर ये सो जाएंगे, अभी तक सो जाती हूँ मैं भी, और कभी कभी जल्दी भी सो जाती हूँ, तबीयत इस तरह की है कि कभी जल्दी भी नींद आ जाती है। तो बस अब मैं यहाँ करूँगी अपने व्लॉग का एंड, चाय मेरी रेडी होगी, बस इनकी चाय बनाती हूँ। तो यकीनन आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपने क्या करना है, क्या करना है हस्बैंड जी? चैनल सब्सक्राइब करया करो, लाइक करया करो, और शेयर करया करो अपने फ्रेंड नाल, अपनी फैमिली नाल, अगर साडे व्लॉग अच्छे लगते हैं। ठीक है गाइस, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, लाजमी किया करें दुआएं दूसरे को देने चाहिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।